आज हम लौकी से बनाएंगे जबरदस्त एंड अनोखी डिश। इसे बनाने के लिए आप छोटी लौकी लेना, एकदम मुलायम वाली, बीज वाली नहीं लेना है। उसके बाद आपको लेना है 5-6 इलायची, उसको अच्छे से कोट कर उसका छिलका अलग कर देना है, और जो उसका बीज है उसको भी आप अच्छे से इसको कूट लेना है इस तरह बारीकी। अभी हम आपको बताएंगे इसको आपको कब कहाँ ऐड करना है, तब तक इसको आप साइड में रख दीजिए। फिर इसके बाद लौकी को हमने छील कर इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। ज़्यादा छोटा नहीं कट करना है, आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा इस तरह कट कर सकते हैं। इस तरह मैंने कट करके रेडी कर लिया है। उसके बाद एक हम पतीला लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, साथ में हमने आधा फुल फैट वाला मिल्क ऐड कर दिया आधा लीटर। उसके बाद फिर तब तक उसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम एक कुकर लेंगे, उसमें 2 चम्मच मैंने घी ऐड किया है, साथ में मैंने जो लौकी छील कर लिया था उसको ऐड कर देंगे, इलायची का जो छिलका है हमने उसको भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने केसर ऐड किया, साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करना है। आप चाहे अगर व्रत के लिए बना रहे हो तो सेना नमक भी ऐड कर सकते हो, इससे ये है कि आपका लौकी अच्छे से गल जाएगा। जब इस तरह आपके लौकी का कलर आ जाएगा तो आप इसे में थोड़ा सा पानी ऐड करके इस कुकर को आप बंद कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने जो साइड में दूध रखा था अच्छे से वो बॉयल होते होते आधा हो चुका है, तो हम इसमें 1-2 बूंद लेमन जूस ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं फाड़ना है, थोड़ा ऐसे करना है बस, ताकि लौकी में जब ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसको। इसके बाद इसे लेमन जूस को ऐड करके इसे गैस बंद करके साइड में रख देंगे। उसके बाद कुकर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, देखिए लौकी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हमें छोटा छोटा इस तरह मसलना है लौकी से, अरे कलछुल से इस तरह अच्छे से मसल देंगे, क्योंकि बड़ा टुकड़ा नहीं रहने देना है। इस तरह अच्छे से इसको मसल देना है, क्योंकि इसमें पानी भी दिख रहा है तो इसको पकाते भी रहना है, इस तरह मसलते रहना। तो पानी हमारा अच्छे से सूख गया है, फिर उसके बाद मैंने जो दूध को बॉयल किया था उसको ऐड कर देंगे। देखिए दूध को ऐड कर दिया है, उसके बाद तब भी आपको इस तरह मसलते रहना है, क्योंकि एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, सारा बारीक होना चाहिए। आपके पास मिक्सर हो उसे भी इस तरह मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। देखिए अच्छे से मैं इसको घोट दे रही हूँ ताकि एक भी बड़ा टुकड़ा ना दिखे। इसको पकाते रहना है, और इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है उसके जैसे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। इसे बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है, देखो ये पक गया है हमारा दूध। उसके बाद मैंने इसमें लास्ट में चीनी ऐड किया है। चीनी ऐड करने के बाद हमें 2-3 मिनट इसको और पकाना है, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा पानी छोड़ देता है, तो 2-3 मिनट और अच्छे से पकाओगे। देखिए पक के रेडी हो गया है। अब इसमें जो इलायची मैंने कूटा था उसको ऐड करेंगे, थोड़ा सा रोज वाटर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, उसमें घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें मैंने काजू बादाम, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उसे थोड़ा सा इस तरह रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी लगेगा। उसके बाद ये बन के रेडी हो गया है। गैस को बंद कर दो, उसके बाद इसको एक बाउल में इस तरह थोड़ी देर ठंडा, एक बात ज़रूर करना, आप इसमें गर्मा गर्म मत परोसना, क्योंकि इसे 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए छोड़ देना। उसके बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि सेट होने के लिए इसे थोड़ा टाइम लगता है। ठंडा हो जाएगा तो जो थोड़ा गीला दिख रहा है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। देखने में जितना ही अच्छा दिख रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी, एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय गाइस।